हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोम्स आईएएस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और ये चैप्टर है 9th क्लास का, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो यहाँ पे ना हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है पहले तो चैप्टर के पहले, सो ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो जुलाई है, ठीक है, 14 जुलाई की सुबह है 1789, और पेरिस की जो सिटी है वो काफ़ी अलार्म्ड है, कुछ तो चल रहा है, मतलब काफ़ी में हसल चल रहा है, हसल बसल हो रही है। सो रूमर ये फैल गए हैं कि राजा ने बोला है कि राजा ट्रूप्स पे ओपन फायरिंग करवाएगा सिटीजन्स पे, ठीक है, ट्रूप्स पे ऐसा उन्होंने डिमांड करा है। लगभग 7,000 मैन और वुमेन टाउन हॉल के आगे इकट्ठा हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हम मिलिशिया की तरह काम करेंगे, अब हम खुद ही मिलिट्री की तरह काम करेंगे और सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग और आर्म्स को तोड़ देंगे, ठीक है। फाइनली कुछ 100 लोगों का ग्रुप्स था जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन था, मतलब एक किला का किला वाली जेल थी, उधर वो गए और उन्होंने तो उसको तोड़ा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आर्म्स मिलने की संभावना थी। तो उधर उन्होंने तोड़ा और उन्हें पता चला कि हाँ वहाँ पर है, और उन्होंने काफ़ी जो प्रिजनर्स थे उस जेल में उनको भी छोड़ दिया, खोल दिया, जबकि वहाँ पे सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। सो और ये जगह थी बेस्टील। बेस्टील किसी को पसंद तो थी नहीं, बिकॉज़ वो किंग की एक डिस्पोटिक पावर दिखाती थी, ठीक है। फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके जो फ्रेगमेंट्स थे, उसके जो पत्थर थे, उनको बेचा जा रहा था मार्केट में कि अगर किसी को याद रखनी है कि देखो एक दिन फोर्ट्रेस हम लोगों ने तोड़ दिया था, सो हियर इज आपके लिए एक याद। तो काफ़ी लोगों ने ख़रीदा भी जो ये याद रखना चाह रहे थे, ठीक है। राइट्स हुए पेरिस में भी और कंट्री साइड में भी, ठीक है। लोगों ने ब्रेड के हाई प्राइस के लिए काफ़ी लड़ाई करी, और हिस्टोरियंस ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ होने के लिए चेन ऑफ इवेंट हुई है। देखो मेरी बात सुन, समझो कि अगर कोई भी चीज़ है, सपोज दूध है, आप मिल्क रोज़ खरीदते हो, ठीक है, दुकान से, तो एक दिन आपने देखा, आप हमेशा 10 रुपये का मिल्क खरीदते थे, आपने देखा कि मिल्क का रेट जो है वो 12 रुपये हो गया, तो आप सोच रहे हो कि हो गया चलो कोई बात नहीं, फिर अचानक से ये बढ़ के 20 रुपये हो गया, तो आप बोल रहे हो कि ये तो नहीं होना चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। 25 हो गया, आप अभी भी मना कर रहे हो, मतलब आप बता रहे हो कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रही चीज़। अचानक से वो 45 हो गया, तब आप प्रोटेस्ट करोगे, तब आप इसके खिलाफ जाके लड़ाई करोगे, रिवोल्ट करोगे कि ये क्यों है, ठीक है। सो इसीलिए इस रिवोल्ट तक आने के लिए बीच के इतने सारे इवेंट्स हुए थे। सो यहाँ पे भी जब ये आया, ठीक है, तो जब रेवोल्यूशन हुआ तो बीच में बहुत सारे जो है वो इवेंट्स थे। सो हम देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें हुई। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखो 1774 में लुई 16 थे बर्बन फैमिली के, जो उस टाइम पे राजा की तख्त होती है उस पर बैठे हुए थे, और वो उस टाइम से 20 साल के थे, और उन्होंने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट, उनके साथ उनकी शादी हो रखी थी, ठीक है। बट जब वो अपने तख्त पे बैठे, जब उन्हें राजा का सिंहासन मिला, तब उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी है, यानी कि उनकी जो जायदाद आप बोल सकते हो, उनका जो भी खजाना है वो बेसिकली खाली है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि लुई सिक्सटीन ने हेल्प करी थी, ठीक है, फ्रांस की, कि वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ के, जो कि मतलब 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को मतलब फ्री कर सके अमेरिका से, तो फ्रांस ने ऐसी हेल्प करी थी। और क्योंकि उनका जो मेन जो उनका मतलब दुश्मन है, डेट वॉज़ ब्रिटेन, सो अमेरिका का दुश्मन भी ब्रिटेन और फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन, ठीक है। सो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी कि वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ सके, और पहले ही उनके पास इतना डेट था, इतना कर्ज था, और उन्होंने और कर्ज ले लिया, ठीक है। अब जो लैंडर्स थे जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, अब वो बोल रहे थे कि अब हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तुम कैसे भी करके हमारा इंटरेस्ट वापस दो। सो आपने देखा होगा, अब जो वर्सलीस का जो महल था जहाँ पर राजा रहा करता था, वो खुद इतना विशाल और इतना सुंदर महल होता था कि उसी को मतलब मेंटेन करने में राजा का इतना पैसा चला जाया करता था, ठीक है। उसके रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करके रखना है, कोर्ट चलाना है, यूनिवर्सिटीज़ चलानी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज चलाने हैं, तो आप क्या कर सकते थे, उन्होंने टैक्स ही बढ़ा दिया कि ठीक है, अब नॉर्मल पब्लिक देखेगी वो कहाँ से भी खोद के पैसा लेकर आए और वही निकाले सब कुछ, ठीक है। उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 स्टेट पे डिवाइड करी गई थी, और जो 3rd स्टेट था वही जो है वो पैसे मतलब टैक्स पे किया करता था, ठीक है।
उस टाइम पे जो सोसाइटी है वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट हुआ करता था बैक इन मिडल एजेस, ठीक है। सो जो 90% ऑफ पॉपुलेशन है वो पीजेंट्स की थी, जो कि थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, और जो 60% है लैंड की वो नोबल्स, चर्च और मतलब जो रिचर मेंबर थे थर्ड स्टेट के उनके पास हुआ करती थी। मतलब देखो 90% जो है वो पुअर लोग और 60% लैंड जो है वो नोबल्स वगैरह के पास थी, ठीक है। सो ये लोग कौन होते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे। देखो जो पहले टू स्टेट थे वो थे क्लर्जी और नोबिलिटी। सो क्लर्जी में वो सारे लोग आते थे जो कि चर्च से डायरेक्ट बिलोंग करते थे, और नोबिलिटी में राजा के परिवार के लोग आया करते थे। सो क्लर्जी जो है एक क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों बर्थ के साथ ना उनको प्रिविलेज आता था, मतलब जन्म से उनके पास एक ये अब बोल सकते हो एक प्रॉफिट होता था, इन लोगों के पास एक एडवांटेज होता था कि इनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। सो इधर भी मैं आपको इधर इस ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, तीन स्टेट हैं क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। सो थर्ड स्टेट एक तो खुद में सबसे नीचे, उसके बाद भी तीन डिफरेंट पार्ट्स में इनको डिवाइड करा गया था, जिसमें पहले में सबसे जो बड़े बिजनेसमैन होते थे पीजेंट्स और आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स और लैंड लेबर एंड सर्वेंट्स, ठीक है। चर्च भी अपना अपना टैक्स लिया करता था और गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लिया करती थी, डायरेक्ट टैक्स जिसको टेल बोला जाता था, और जो चर्च लेती थी उसको तिथ बोला जाता था, ठीक है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता था सोल्ट और टबैको पे, तो थर्ड स्टेट पे ही सारा फाइनेंशियल बर्डन हुआ करता था। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो है, ये है हमारे नोबल्स और क्लर्जी और ये है हमारे थर्ड स्टेट के लोग। तो इनके पास ऑलरेडी, एक मिनट फोटो पूरी दिखा देती हूँ मैं, इनके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि तुम और ला के दो। और ये लोग जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है वो फिर भी अपनी चीज़ें ला के इन लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। सो कितने अनफेयर थे ये सारी चीज़ें। अब वहाँ पे ना सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था लोगों को, बिकॉज फूड ग्रेन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी, ठीक है। सो जब ये लड़ाई इतना सब कुछ हो रहा था तब फूड ग्रेन की भी डिमांड बढ़ी, और लोगों की जो स्टेपल डाइट है डाइट वॉज ब्रेड, यानी कि रोटी, ठीक है। ब्रेड जो थी वो स्टेपल डाइट थी, और इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो इसकी वजह से क्या होने लगा, जो गरीब था वो और गरीब होने लगा, और जो रिच था वो और ज़्यादा रिच होने लगा, और ये जो मतलब गैप है ये बढ़ने लगा, और ऐसी सिचुएशन में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई। क्योंकि कभी कभी अगर ड्राउट हो जाए, मतलब सूखा पड़ जाए या हेल आ जाए, यानी कि ओले बरस जाए, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती थी, मतलब जीने के लिए आपको लिटरली एक मतलब क्या बोलूँ, इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती थी कि आपको जी नहीं पाते थे, आपको जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जीने के लिए भी जब आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि आप जी नहीं पा रहे, दिस इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सो अब मिडिल क्लास के जो एनवीसीजेस है और प्रिविलेजेस के कैसे एंड आए, देखो जो पास्ट में जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो रिवोल्ट के अगेंस्ट पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, ताकि क्योंकि इनका टैक्स इतना बढ़ रहा था और फूड सिक्योरिटी, फूड स्केर्सिटी भी बढ़ी जा रही थी, ठीक है। बट इनके पास मींस नहीं थे, इनको पता नहीं था कि रिवोल्ट करना कैसे है, और क्योंकि इनको झुकाते थे और ये लोग झुक जाते थे, तो इनको रिवोल्ट करने का एक आइडिया नहीं था, ठीक है। फिर उस टाइम पे जो नए एजुकेटेड लोग थे और जो नए आइडियाज़ के लोग थे जो कि थर्ड स्टेट के थे, उन्होंने बोला और उन्होंने सारा जिम्मा अपने कंधे पे ले लिया कि हम रेवोल्यूशन करवाएंगे, आपको बस हमारा साथ देना है, ठीक है। 18th सेंचुरी में सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस होने लगा, जिनको मिडिल क्लास बोल दिया गया, ठीक है। और ये लोग जो थे ये ओवरसीज ट्रेड कर सकते थे और ये गुड को मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे वुलन हो या सिल्क हो, इसलिए इनकी वेल्थ अच्छी थी और ये जो सोसाइटी के रिचर मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। थर्ड स्टेट जो थे उनके ये जो प्रोफेशंस थे, इसमें लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आया करते थे, ठीक है। सो ये लोग एजुकेटेड थे और ये बिलीव करते थे कि बर्थ के साथ किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी जो प्रिविलेजेस होती है, जो आदमी का हक होता है, वो उसके बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं, बट उसको क्या क्या करता है, उसकी वो कितना कर सकता है, उसकी सोशल पोजीशन उसके ऊपर, उसके मेरिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि उसके बर्थ के ऊपर, ठीक है। वो कितने करने की उसकी क्षमता है, वो कितना डिजर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलनी चाहिए, ठीक है चीज़ें। सो ये लोगों का मानना था उस टाइम पे, और यही सेम एक मिनट, सो यही जो सेम चीज़ थी, ये जॉन लोक और जीन जेक्स रूसो जैसे लोगों ने और ज़्यादा इसको आगे किया, ये लोग फिलोसोफर्स हुआ करते थे, ठीक है। जॉन लोक ने अपनी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा कि कैसे
डिवाइन मतलब ऑब्सोलीट राइट है मोनार्क का, तो जो एक राजा है वो ही सब कुछ कर रहा है, एक बंदे के पास पावर है ना। और रूसो ने इसी सेम चीज इस आइडिया को फॉरवर्ड किया और ज़्यादा आगे करा, और उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस होनी चाहिए, और जो लोग हैं उनको हक होना चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करने का, ठीक है। अपनी स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक वो भी एक फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा कि कैसे जो पावर है वो डिवाइड करी गई है, और मतलब डिवाइड कर दी जानी चाहिए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ऐसी हायरार्की बना देनी चाहिए, जब ताकि एक एक पर्सन के पास मोनार्क ना हो, एक पर्सन के पास सभी चीज़ का हक ना हो, सभी चीज़ का राज ना हो, हर चीज़ पे कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। और यही चीज़ फोर्स पे आई यूएसए में, जब 13 कॉलोनीज को मतलब इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटेन के, तो उन्होंने भी बोला कि इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात की जाएगी, और उन्होंने जो फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके उनके बारे में उन्होंने एग्जांपल दिए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो फिलोसोफर्स थे इनके बारे में ये जो ज़्यादा डिस्कशंस होते थे ना, ये सलोन्स और जो कॉफ़ी हाउस होते थे, मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, वैसे जैसे आपने तारक मेहता में देखा होगा कि जो सोडा की शॉप है वहाँ पे बैठ के सभी डिस्कस करते थे, एक उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब लोगों के बीच में जो है बुक्स और न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश होने लग गई थी, लोगों को चीज़ें पता चल रही थी, ठीक है। और हुआ ये करता था, क्या हुआ जाता था बेसिकली, मतलब किसी सोसाइटी के सारे लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो एक पर्सन होता था, ठीक है, जो न्यूज़पेपर को ज़ोर से पढ़ा करता था, और बाकी उनके पास जो है आसपास के सारे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो सुनकर उनको पता चलता था कि ठीक है हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये न्यूज़ आई कि लुई XVI प्लान कर रहा है कि वो और टैक्सेस चढ़ाएगा लोगों के ऊपर, और लोगों को ऑफकोर्स गुस्सा आ गया, उन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुई, लुई XVI को जो अगर टैक्स बढ़ाना था तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा। तो फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम थी कि मोनार्क फ्रांस की मतलब जो ओल्ड रिजीम थी उसमें मोनार्क के पास ये हक नहीं था कि वो अकेले सारे टैक्स इम्पोज कर सके लोगों के ऊपर, जबकि उसको स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी बदले में, अगर उसको नए टैक्स का प्रपोजल रखना है तो, ठीक है। सो अभी तक ये जो मीटिंग थी ये लास्ट 1614 में हुई थी, बट मई 1789 में ये फिर से करवाई गई ये मीटिंग, से लगभग 150 लगभग लगभग 150 150 साल के बाद ये फिर से हुई थी, ठीक है। लुई XVI ने असेंबली बुलाई और बताया कि हाँ मैं ये नए टैक्सेस रखना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि वर्सलीस के एक हॉल है वहाँ पे एक हॉल तैयार किया ताकि सारे लोग आके वहाँ पे काम कर मतलब डिस्कस कर सकें चीज़ें। सो बेसिकली हुआ क्या करता था वहाँ पर कि जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव आया करते थे, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स आया करते थे, तो ऐसे दो रो हुआ करती थी जो एक दूसरे को फेस करती थी ऑन टू साइड्स, ठीक है। सो इस तरफ जो है फर्स्ट फर्स्ट स्टेट के लोग, इस तरफ दूसरे स्टेट के लोग, और जो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मतलब उनको बैठना भी अलाउड नहीं था, उनको बस खड़े रह के देखना था, ठीक है। सो जो पीजेंट्स आर्टिसंस थे वो असेंबली में जाते थे और अपने ग्रीवियंस मतलब उधर पर सिर्फ जो प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड लोग थे वही जा सकते थे थर्ड मेंबर की तरफ से, ठीक है, एंड दे हैड टू स्टैंड एट द बैक। बट जो पीटिशंस थे, आर्टिसंस थे और जो औरतें थीं उन्हें भी तो अपना दुख बताना था कि हमें ये फर्दर प्रॉब्लम है, तो लगभग 40,000 लेटर्स उस टाइम गए थे उनके साथ कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, लगभग 40,000। सो दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। सो स्टेट जनरल की जो वोटिंग हुआ करती थी वो ऐसे हुआ करती थी कि एक स्टेट के पास एक वोट है, बट लोगों ने बोला कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, बिकॉज थर्ड स्टेट के लोगों ने ऐसा बोला क्योंकि देखो जो जो नोबिलिटी है और जो क्लर्जी है वो ऑफकोर्स एक ही चीज़ को वोट करेंगे तो वो दो हो जाएगा, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो ऑफकोर्स अकेला रह जाएगा। सो थर्ड स्टेट के लोग ने इसका प्रोटेस्ट करा और बोला नहीं ये चीज़ अब नहीं होगी, जबकि हर एक मेंबर के पास एक वोट जाना चाहिए, ठीक है, तो ये भी 600 मेंबर्स हो जाएंगे इकट्ठे और ये भी 600 मेंबर्स हो जाएंगे इकट्ठे, अब आप अपने पर्सन के राइट पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन किसको वोट देना चाहता है। सो ये डिमांड की जा रही थी कि ऐसे करो, बट ये नहीं हुआ, लोग किंग ने मना कर दिया, तो थर्ड स्टेट असेंबली के बाहर निकल गए और उन्होंने बोला कि तुम देखो अभी हम देखो मैं क्या करता हूँ। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो
पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्समैन हो गए थे, बिकॉज जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो पूरे फ्रांस में थे। 20 जून में एक इंडो टेनिस का कोर्ट था वर्सलीज के ग्राउंड पे, वहाँ पे वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने बताया, और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बोला उन्होंने, और उन्होंने ऐसा बोला कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जिसमें हम मोनार्क की पावर को लिमिट करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक डिस्पोज नहीं होंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर ले। और ये मीराबू और अबीसीस इनके जो है वो लीडर थे। तब मीराबू एक नोबल फैमिली पे उनका जन्म हुआ था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं देश में ये चीज़ें सही नहीं हैं, इसलिए वो लोग इनके थर्ड स्टेट के साथ वो काम किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फ़ोटो है हमारे पास, एक ओथ ले रहे हैं ये लोग कि कैसे कैसे वो करेंगे, ठीक है। और जो एबीसीज थे वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, ठीक है, जो भी एक पैम्पलेट वगैरह बनाया करते थे और उस पैम्पलेट से वो इन्फ्लुएंस करते थे कि थर्ड स्टेट क्या है। तो जैसे नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, तो बाकी का जो फ्रांस था वो टर्मोइल में था, मतलब काफ़ी हसल बसल चल रही थी, बहुत ठंड हो रही थी इसलिए हार्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और ब्रेड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया। सो बेकर्स ने इस सिचुएशन का एक्सप्लोइट करा और उन्होंने बोला कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो लोग जो है वो बेकरी में बहुत घंटों तक लाइनों में लगे रहते थे और औरतों को ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, बिकॉज वो इतनी देर तक खड़ी रहती थी बेकरी के बाहर और काफ़ी टाइम पर वो शॉप्स में जाके उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। दिस वॉज वेरी नॉर्मल एट डेट इज। कुछ टाइम पे किंग्स ऑर्डर कर देता था कि ट्रूप्स को कि तुम पेरिस में जाओ और जो भी मतलब क्राउड है, और 14 जुलाई में क्राउड को गुस्सा आ गया और क्राउड ने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। कंट्री साइड में रूमर्स ये फैल गए विलेजेस से विलेजेस तक कि एक लॉर्ड है उसको, मतलब जो किंग है उन्होंने एक मेनर अपॉइंट किया है जो जाके जो भी बनी हुई क्रॉप्स है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है। इस चीज़ से लोग डर गए, फिर उनके हाथ में जो कुछ भी आया, चाहे वो जूते हों, होस हो, जो भी उनके पास हथौड़े वगैरह जो भी आए, वो उन्हीं से लड़ाई करने चले गए। और उन्होंने चीटॉक्स पे, जो शीटॉक्स है उन पर उन्होंने अटैक किया, बट वो शीटॉक्स जो कि कासल था जहाँ पे मतलब लोग रहा करते थे नोबल मैन और किंग के बिलोंगिंग, वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। उन्होंने ग्रेन को लूट किया और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी को जला दिया, ठीक है। और काफ़ी नोबल जो थे वो मतलब घर से बाहर निकल गए क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अब तो बारी आ गई है, ये लोग हमें बिना मार दे। तो जब इतनी रिवोल्यूशन हो रहा था तब लुई XVI को लगा कि ठीक है नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन दे देना चाहिए, और उन्होंने बोला कि ठीक है उनके जो भी प्रिंसिपल्स है वो उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। और बट उन्होंने बोला कि उनकी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चेक रखेगी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करते हुए एक डिक्री अबॉलिश करी कि ये जो भी टैक्सेस वगैरह है ये सब कुछ हटेगा और फ्यूडल सिस्टम भी हटेगा। क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उनको भी बोला गया कि इनके ये जो भी प्रिविलेजेस है ये सभी हटेंगे, सभी को ये गिव अप करेंगे, और तिथ हटेगा, लैंड जो है वो जो चर्च जो लैंड ओ करती है वो सारी वापस पीजेंस के पास आएगी। और जब ऐसा किया गया तो गवर्नमेंट के पास फिर से 2 बिलियन लीवर्स आ चुका था एसेट का, ठीक है। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, नेशनल असेंबली ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया पूरे तरीके से 1791 में, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मोनार्क की जो पावर है यानी कि वन पर्सन की जो पावर है, किंग की जो पावर है उसको कम किया जा सके। तो ये जो पावर है ये एक मतलब ये बेसिकली यही चाह रहा था कि एक पर्सन के पास पावर ना हो और ये मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास पावर हो, जो कि होंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोल रहा था कि नेशनल असेंबली अब इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाएगी, ठीक है, डेट इज़ कि सिटीजन वोट करेंगे उन ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को जिनको वो असेंबली में देखना चाहते हैं, ठीक है। सारे सिटीजन्स नहीं, सिर्फ 25 ईयर्स के ऊपर के जो सिटीजन थे और जो उतना टैक्स पे कर रहे थे, मतलब 3 दिन में एक लेबरर जितना कमा सकता है, ठीक है, मतलब 3 दिन 3 डेज ऑफ वर्किंग वन लेबरर कितना कमा सकता है। जैसे सपोज एक दिन में कोई लेबर 5 रुपये कमाता है तो 3 दिन में वो 15 रुपये कमाएगा, तो अगर कोई पर्सन 15 रुपये तक का टैक्स देता है तभी वो वोट कर सकता है, मतलब जो इतना
पे करता है टैक्स वही जो है वो दे सकता है, ठीक है। तो जितना बड़ा टैक्स पेयर उतना ही उसकी पावर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरू हो गया और मैंस के और सिटीजन के राइट उसमें आने लगे। उसमें काफ़ी राइट थे, जैसे राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और नेचुरल एंड इनलेनेबल राइट्स, ठीक है, जो चीज़ होनी चाहिए। सो अब ये स्टेट की ड्यूटी थी कि ये जो सिटीजन के नेचुरल राइट्स है इसको वो सपोर्ट करे, ठीक है, और उसके लिए काम करे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिंबल्स थे। अब फ्रांस मोनार्की अबॉलिश करके रिपब्लिक बन जाता है। यहाँ पे देखो जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो अभी भी कंटिन्यू थी, इतना टेंस चल रहा था, ठीक है। ऑल्दो लुई XVI ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन तो कर दिया था, बट वो प्रूशिया के किंग के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था। मतलब प्रूशिया के जो राजा थे, द किंग ऑफ प्रूशिया के साथ वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था, मतलब चुपके से उनके साथ डिस्कस कर रहा था चीज़ें। नेबरिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो उनको भी ऐसा डर लग रहा था कि अगर फ्रांस जो चीज़ फ्रांस में डिमांड की जा रही है मोनोपोली को हटाने की, अगर वो हो गया तो फिर हमारी कंट्री के लोग भी मतलब इस चीज़ का वो करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है ये चीज़ होनी चाहिए। ट्रूप्स भेज दिए गए, ठीक है, समर 1789 में। इससे सब कुछ पहले कुछ भी होता, नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया अप्रैल 1792 में और डिक्लेयर कर दिया कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वो लड़ाई करेंगे। और काफ़ी वॉलंटियर्स थे जो कि जिन्होंने आर्मी में ज्वाइन करी, उन्होंने वॉर लड़ा अगेंस्ट किंग्स और जो भी अरेस्ट मतलब यूरोप की जो भी अरेस्टोक्रेसी थी, यानी कि जो भी हाई लेवल थे यूरोप में, ठीक है, वहाँ पे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी। और वो एक पैट्रियोटिक से गाना गाया जाते थे जिसका नाम था मर्सोलीस, और ये फ्रांस का बाद में नेशनल एंथम बन गया था, ठीक है। जो रेवोल्यूशनरी थे उनको काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस देखने पड़ रहे थे और लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब ये सब कुछ चीज़ हो रहा था, बट फेमाइंस भी आ गई उसके साथ साथ, तो लोगों को काफ़ी मतलब पॉपुलेशन का काफ़ी लार्ज सेक्शन था जो कि रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाह ही रहा था इन सब चीज़ों की वजह से। जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का वो काफ़ी पॉलिटिकल राइट देता था रिचर सेक्शन, सोसाइटी के रिचर सेक्शन में। तो जो भी पॉलिटिकल क्लब्स थे वो इम्पोर्टेंट हो गए और पीपल्स जो डिस्कस करना चाह रहे थे ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसी को और अपने एक्शन भी बताया करते थे, ठीक है। उनमें से कुछ जो बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल क्लब्स थे वो थे द जेकोबिन क्लब्स, ठीक है, जिनका नाम सेंट जेकोबिन इन पेरिस उनके नाम से उनको पड़ा था। वुमेन्स भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी इस टाइम पे और उन्होंने भी अब अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। जेकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस सेक्शन नहीं था, उस सेक्शन से ज़्यादा बिलोंग करते थे सोसाइटी के। इसमें स्मॉल शॉपकीपर, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें हुआ करते थे, ठीक है। जो लीडर थे डेट वॉज मैक्सिमिलियन रोबेसपियर, और काफ़ी बड़ा ग्रुप था जो जेकोबिन का जिसने डिसाइड करा कि वो अब लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहना करेंगे और डॉक वर्क जो कि डॉक वर्क पहनते थे उस टाइम पे, और वो नी ब्रीजेस पहनेंगे, ठीक है, बिकॉज वो स्पेशली नोबल्स पहना करते थे। वो जिस तरीके से नी ब्रीजेस पहनते थे वो बिल्कुल सेम नहीं था, इसलिए उनको बोला गया, इसलिए जेकोबिन्स क्लब को बोला गया सैन क्लोथस, जिनका मेन मतलब होता था कि दोस्त जो कि नी ब्रीजेस के बिना थे, ठीक है, दोस्त विदाउट नी ब्रीजेस। और ये लोग रेड कैप भी पहना करते थे जो कि लिबर्टी का साइन था, बट वुमेंस ये नहीं पहन सकती थी, ठीक है। समर 1792 में जेकोबिन्स ने प्लान करा कि वो एक मतलब जो भी पर्शियंस हैं उनके क्योंकि इतना हाई प्राइस हो रहा था तो ऑफकोर्स लोगों को गुस्सा आ रहा था। 10 अगस्त की मॉर्निंग में उन्होंने तुलेरिस का जो पैलेस था वहाँ पे अटैक करा और किंग के गार्ड को मार दिया, ठीक है, उसको मार दिया गया और किंग्स को भी हॉस्टेज पे यानी कि जेल पे रख दिया गया काफ़ी टाइम के लिए। लेटर असेंबली ने वोट किया कि जो रॉयल असेंबली है उसको इम्प्रिजन कर दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शन हुए और 21 साल के ऊपर के सारे जो लोग थे उन्होंने मतलब वोट दिया, चाहे उनकी वेल्थ जो भी हो उनको राइट मिल गया था। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उनको कन्वेंशन बोला गया और 21 सितंबर 1792 में मोनार्की बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो गई और फ्रांस को रिपब्लिक बोल दिया गया था। ये गवर्नमेंट का जो रिपब्लिक फॉर्म था इधर पीपल खुद इलेक्ट कर सकते थे कि कौन उनका राजा होगा, और राजा नहीं होगा बट कौन उनका हेड होगा, उनका गवर्नमेंट को कौन चलाएगा, ठीक है। कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं चलेगी, मतलब जैसे हेरिडेटरी मोनार्की होता है जैसे राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ये ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, लोग खुद वोट करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हुआ और लुई XVI को डेथ को बोल दिया गया कि ठीक है इनको मार दो,
और उनको सेंटेंस डेथ कर दी गई और उन्हें मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया 21 जनवरी 1793 में। और कुछ टाइम के बाद जो क्वीन थी मैरी एंटोनिएट, उनके साथ भी सेम चीज़ की गई, द रेन ऑफ टेरर। सो 1793 से 1794 का जो टाइम था उसको रेन ऑफ टेरर बोला गया, बिकॉज इस टाइम पे जो भी एनिमीज थे ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि एक्स नोबल्स और क्लर्जी, ये सारे जो है इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टीज बना दी, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी, और उनको अरेस्ट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया गया और इनको रेवोल्यूशनरी ट्राइबल भी किया गया, ठीक है। इनको गिल्टी घोषित कर दिया गया और इनको गुलेटिंड कर दिया गया। व्हाट वाज गिलोटिंड, ये हम अभी पढ़ेंगे। गिलोटिंड एक डिवाइस था जिसमें दो पोल हुआ करते थे, सो आई विल मेक अ स्ट्रक्चर, दो पोल हुआ करते थे और यहाँ पे एक लकड़ी का पीस हुआ करता था जो यहाँ से कुछ इस तरीके से होता था, और यहाँ पे जो है पर्सन की मतलब गर्दन रखी जाती थी, तो सर आगे होता था और बॉडी पीछे वाली तरफ होती थी, ठीक है। और ऊपर से एक ब्लेड आती थी नीचे की तरफ को, और जो सर था वो धड़ से अलग हो जाता था, ठीक है। सो ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये बनाई थी उस टाइम पर। सो इसका जो नाम था ये डॉक्टर गुलेटिन के ऊपर पड़ा था जिन्होंने इसको बनाया था, तो ये मतलब रोबिस्फेयर ने बनाया था और रोबिस्फेयर ही ये सब कुछ करवा रहा था उस टाइम पे। सो रोबिस्फेयर ने बोला कि मैक्सिमम सीलिंग होगी वेजेस पे और प्राइसेस पे भी, मीट और ब्रेड को रेशन किया गया, उनका रेट थोड़ा कम किया गया, और पीजेंट्स अब ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे सिटीज से और उनको फिक्स प्राइस में बेचा कर रहे थे, ठीक है। सो उस टाइम पे रोबेसफेयर ने बोला कि सभी एक ही तरह का ब्रेड खाएंगे, कोई मतलब ऐसा होता था कि जो व्हाइट ब्रेड है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, बट सभी उस फिर राजा ने रोबेसफेयर ने मना करा कि भाई सारे होल व्हीट का ही रोटी खाएंगे और सब कुछ इक्वल खाएंगे, ठीक है, कोई भी अब सर और कोई भी मैडम नहीं होगा, सारे सिटीजन होंगे, ठीक है। रोबेसफेयर ने अपनी पॉलिसी को और उनके जो सपोर्टर थे वो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट के थ्रू कन्विक्ट किया गया उन्हें जुलाई 1794 में, उनको अरेस्ट किया गया अगले दिन, और अगले दिन उनको गिलेटिन कर दिया गया। जो चीज़ उन्होंने बनाई लोगों को मारने के लिए उनको भी उसी तरीके से मार दिया गया, ठीक है। डायरेक्टरी रूल फ्रांसिस फ्रांस सॉरी जब जैकोबिन क्लब गिर गया तब जो मिडिल क्लास थी उन्होंने बोला कि ठीक है पावर हमारे अंडर है, तो जो अब नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन था वो वोट नहीं दे सकता था, प्रॉपर्टी वाला सेक्शन ही वोट दे सकता था सोसाइटी का। दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी जिसमें से वो डायरेक्टरी अपॉइंट करते थे, वो एग्जीक्यूटिव बनाते थे 5 लोगों का। सो लोगों ने बोला कि अगर हम एक आदमी को सारी पावर दे देंगे तो वो फिर से राजा बन जाएगा, तो उन्होंने 5 लोगों को दिया कि ठीक है ये 5 जो है और ये 5 जो एक दूसरे के पावर पे जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लिया करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हुई और ये सभी को लग रहा था कि ये मनमैन एग्जीक्यूटिव को मतलब वो कर देगा, बट जो डायरेक्शंस थे वो फिर से क्लैश हो गए काउंसिल और उनको भी डिसमिस कर दिया गया। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टर की, उन्होंने बोला कि मिलिट्री डिक्टेटर बनना चाहिए, और जो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि मिलिट्री डिक्टेटर थे उन्होंने खुद को मतलब राजा बना दिया था उस टाइम पर, वो पावर पे आ गए थे। मतलब जो सारे चेंजेस थे वो गवर्नमेंट के ही फॉर्म थे, ठीक है। उनका जो फ्रीडम का जो आइडिया था और सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और मतलब फ्रांस और यूरोप हो, मतलब क्योंकि फ्रांस में ये सब कुछ हो रहा था तो यूरोप में भी इन चीज़ों का प्रभाव तो पड़ ही रहा था। अब वुमेन्स ने कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा, शुरू से ही वुमेन काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट थी इन सारी चीज़ों में, वो घर की चीज़ों के साथ ही लड़ाई करते या करती थी, जबकि सारे लोग बाहर जाते थे, जो मैन थे, ठीक है, सारी जो औरतें थी वो कमाती थी, वो अपने बच्चों को भी पालती थी, वो अपना घर भी देखती थी, वो उस टाइम पे लोगों के घर पे काम करती थी, लोगों के कपड़े धो के देती थी, फूल बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी, और डोमेस्टिक सर्वेंट बनती थी लोगों के घर पे, ठीक है। वुमेन्स को कोई भी एजुकेशन और जॉब का तो दूर दूर तक कोई आता पता ही नहीं था, सिर्फ जो नोबल्स थी और जो वेल्दियर मेम्बर्स थे उनके घर की जो बेटियाँ वो थोड़ा मतलब थर्ड वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, बट उनके पास भी जो है वो बाद में जाके अरेंज मैरिज उनकी कर दी जाती थी। जो वर्किंग वुमेन है वो सब कुछ का ध्यान देती थी, कमाने के साथ साथ अपने बच्चों का, अपने
मतलब पानी लेकर आना है, ब्रेड के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना है, खाना बनाना है, तो फिर भी उनकी वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, वुमेंस ने बोला कि अब हम भी पॉलिटिकल क्लब, और उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह छपवाना शुरू कर दिए थे। 60 वुमेन का क्लब बना डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, और जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी थी और रिपब्लिक वुमेन थी वो भी उनमें से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। और इनकी जो मेन डिमांड यही थी कि इनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, सेम वुमेन को भी। मतलब वुमेन्स इतनी डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज वो इतना सब कुछ कर रही थी और फिर भी वो पैसिव सिटीजन थी, एक्टिव सिटीजन नहीं थी। ठीक है, तो वो मतलब वोट का डिमांड मांग रही थी कि हमें भी वोट करने दो। ठीक है, सो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने अभी भी वुमेन्स की लाइफ के लिए मतलब कुछ लॉ इंट्रोड्यूस करा जिससे वो थोड़ा सा अच्छा हुआ। डैट वॉज कि वो स्कूल जा सकते हैं, उनकी स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई, और उनको मतलब उनकी इच्छा के बगैर शादी करने का वो हटा दिया गया कि ठीक है तुम अपनी इच्छा के थ्रू शादी कर सकते हो। और डिवोर्स को भी लीगल बना दिया गया। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों डिवोर्स के बाद फिर से शादी कर सकते थे, और दोनों अप्लाई भी कर सकते थे इसके लिए। और छोटी छोटी वुमेन्स थी वो छोटे छोटे बिजनेस चला सकती थी, आर्टिस्ट आर्टिस्ट वगैरह वो लोग बन रही थी। ठीक है, वुमेन का स्ट्रगल था कि वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मिले, बट रेन ऑफ टेरर के दौरान गवर्नमेंट ने एक इशू ऑर्डर किया कि जो भी वुमेन के क्लब्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, जो भी वुमेन्स के क्लब हैं उनको बंद कर दिया जाए, और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाए। ठीक है, काफ़ी वुमेन्स को अरेस्ट किया गया और काफ़ी को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। वुमेन्स का जो मूवमेंट था वो अभी यही था कि वोटिंग राइट मिले और इक्वल वेजेस मिले, बट ये चीज़ें हो नहीं रही थी। ठीक है, वो इतना लड़ाई कर रही थी, बट स्टिल 19 और 20 सेंचुरी में थ्रू आउट द इंटरनेशनल सफरेज हो रहा था, सिर्फ फ्रांस में नहीं पूरे इंटरनेशनली भी औरतें जो है इस चीज़ के लिए लड़ रही थी। फाइनली 1946 में जाके कहीं वुमेन को राइट टू वोट मिला, 1946 कितना दूर जाके। ठीक है, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, अब स्लेवरी ख़त्म हो गई क्योंकि देखो हुआ क्या कर रहा था उस टाइम पे कि लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लायर थे जैसे टोबैको, इंडिगो और कॉफ़ी, उसके लिए जो यूरोपियंस थे वो जाके मतलब अनफ्रीमियर लैंड में जाके जो है लेबर का, बिकॉज शॉर्ट लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी तो वहाँ जाके वो काम करवाते थे। एक ना ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया था कि क्या करते थे यूरोप मतलब स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। सो इसमें वो यूरोप अमेरिका के अफ्रीका के लोग लेके अमेरिका में जाके बेच दिया करते थे। ठीक है, सो जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे ये जो भी यूरोपियन मार्केट थे वो शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की ज़्यादा डिमांड पे था, तो 18 सेंचुरी के टाइम पे एक लिटिल क्रिटिसिज्म आया स्लेवरी का, छोटा सा क्रिटिसिज्म कि ये नहीं होना चाहिए फ्रांस में। और जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी डिबेट्स करी कि मैन कोई भी आदमी को तुम ऐसे बेच नहीं सकते हो काम करने के लिए। तो उन्होंने फ्रेंच फ्रांस को बोला कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई लॉ तो नहीं पास करा, बट उन्होंने इसका थोड़ा अपोजिशन करा था कि ठीक है स्लेव ट्रेड नहीं होना चाहिए। सो फाइनली कन्वेंशन पे 1794 पे सभी को मतलब स्लेव ट्रेड से फ्री कर दिया गया और सारे ओवरसीज पोजेशन अब कर सकते थे। ठीक है, मतलब जो ये जबरदस्ती इनको सीज के थ्रू फॉरेन में भेज दिया करते थे काम करने के लिए, वो ये चीज़ हटा दी गई। ठीक है, फिर 10 साल के बाद जब नेपोलियन आए तो नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने बोला कि क्यों ना ये जो अफ्रीकन नीग्रोज है, मतलब ये नीग्रोज वॉज अ काइंड ऑफ गाली जैसा वर्ड होता था अफ्रीकन लोगों के लिए, बहुत ही गलत इसका मतलब हुआ करता था। मतलब इंडिजीनियस पीपल्स सो ये गाली तौर पे यूज़ किया करते थे, तो वो बोलते थे कि इतने डार्क टोन ये लोग हैं तो इनका कोई काम तो है नहीं, तो जाके ये बाहर जाके काम करे। बट फिर भी स्लेवरी जो है वो 1849 में फाइनली अबॉलिश हो गई थी फ्रेंच कॉलोनीज में। अब रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, तो रेवोल्यूशन हो रहा है तो ऑफकोर्स एवरीडे लाइफ में तो फ़र्क पड़ेगा ही इन चीज़ों से, बिकॉज किंग सेंसर कर दिया गया और नए नए राइट्स और सिटीजन के लिए वोट निकल करके आ रहे थे। ठीक है, अलग अलग राइट्स निकल के आ रहे थे कि सिटीजन वोट भी दे सकता है वो मैन को, मतलब अलग अलग फ्रीडम है उसके पास स्पीच और एक्सप्रेशन का। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर्स वगैरह इतनी फैलने लग गए थे उस टाइम पे फ्रांस में कि लोगों को पता चलने लग गया था कि ठीक है क्या क्या चीज़ें हो रही है कंट्री पे, लोग एजुकेट हो रहे थे, लोग पढ़ सक रहे थे। अब अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ गया था कुछ लोगों की लाइफ में, वुमेन्स के लिए भी कुछ राइट्स निकल गए थे। फिर आते कंक्लूजन, सो 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट आए और उन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर बना दिया, तब
उन्होंने जो और नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज है उनको भी कॉन्कर करने के लिए उन्होंने तैयारी की, बट एनी किंगडम तो उन्होंने बना लिया था। सो नेपोलियन ने सोचा कि वही है जो यूरोप को मॉडर्नाइज करेंगे, अब नेपोलियन के अलावा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, सब कुछ उन्होंने बोला कि कैसे कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उन्होंने नए नए अपने लॉज निकालने शुरू करे। ठीक है, उन्होंने डेसिमल सिस्टम बनाए, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाए कि हर एक वेट का एक ही सिस्टम होगा। बट नेपोलियन बेनापार्ट ने मतलब वो लिबरेटर थे जो कि फ्रीडम लेकर आते लोगों के लिए। ठीक है, बट क्या हुआ कि वाटरलू में नेपोलियन की डिफीट हो गई 1850 में, 1815 में, और ये जो भी लिबर्टी का और जो भी मॉडर्न रूल का था यूरोप में, ये इसका इम्पैक्ट रह गया। बिकॉज नेपोलियन तो की तो हार हो गई थी, बट स्टिल इसका इम्पैक्ट रह गया था। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स अभी भी लोगों के दिमाग में घूम रहे थे, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी रह गई थी। ठीक है, तो फ्रांस में इतनी चीज़ें स्प्रेड हुई, और इसके बाद जो यूरोपियन जो और यूरोपियन कंट्री है 19th सेंचुरी में, वहाँ पे भी ये फैली। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, लोगों को मतलब कॉलोनाइज कर दिया गया, और उनको फ्रीडम दे दी गई सारी बॉन्डेजेस से। ठीक है, अब टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग ने इन आइडियो के बारे में डिस्कस करा, और उन्होंने इंडिया में भी इसके अकॉर्डिंग बात करी। ठीक है, सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।